नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आज आपके चैनल डीबी लाइव एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और वो कीर्तिमान है कि आप सबके सहयोग से आज डीबी लाइव ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 11 करोड़ व्यूज के साथ डीबी लाइव नंबर वन है और लगातार 5वीं बार नंबर वन है, यानी नंबर वन का पंच डीबी लाइव ने लगा लिया है और आप सब के इस प्यारे चैनल ने। और एक बार फिर आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार इसी ढंग से बना रहेगा। तो अब आज के अहम मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दरअसल ध्रुवीकरण की राजनीति से सत्ता हासिल करने का देश को कितना नुकसान हो सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया है। यहाँ नेहा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने एक मुस्लिम बच्चे को बाकी बच्चों से थप्पड़ लगवाए। इस वीडियो के वायरल होते ही इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। लोगों ने अपना गुस्सा दिखलाया और प्रिंसिपल साहिबा को सजा दिलवाने की मांग की। हालांकि टीचर ने, यानी प्रिंसिपल साहिबा ने सफाई दी है कि वो विकलांग हैं, इसीलिए उन्होंने दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाए। अपनी गलती भी उन्होंने मानी, लेकिन गलती मान लेने से बच्चे के मासूम दिल पर लगे जख्म को दूर नहीं किया जा सकता है। आप खुद ये सवाल करके देखिए, क्या उससे, सिर्फ गलती मान लेने से उस बच्चे के दिल पर जो जख्म लगे हैं वो दूर हो जाएंगे? नहीं, इस बात की कोई गारंटी है कि आगे समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। पिछले 9 सालों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की ऐसी कितनी ही घटनाएं हम देख चुके हैं। कभी किसी से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाना, तो कभी नमाज पढ़ने में बाधा डालना और कभी मस्जिद या चर्च को निशाने पर लेना। घटनाएं इतनी हैं कि गिनी नहीं जा सकती हैं, लेकिन गिने जाने की जरूरत है दोस्तों। तभी पता चलेगा कि जिन लोगों ने सत्ता के लिए समाज को बांट दिया वो तो सत्ता के सारे सुख लूट रहे हैं, लेकिन जनता बदहाल हो गई है। अभी लद्दाख में राहुल गांधी से मुस्लिमों पर अत्याचार का सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम ही नहीं, आप क्या कह रहे हैं, आप सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं, यहां मुस्लिम ही नहीं, बाकी अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी सभी पर अत्याचार हो रहा है। जरा सुन लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। राहुल गांधी इंग्लिश में बोल रहे हैं, सामान्य इंग्लिश बोलते हैं, आप समझ सकते हैं, सुनिए। यू आर राइट दैट मुस्लिम्स आर अंडर अटैक इन इंडिया, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट देयर आर मेनी अदर पीपल ऑल्सो अंडर अटैक इन इंडिया। ओके, please look at what is going on in Manipur today. For 4 months Manipur has been burning, right? So you must not think that you are the only people under attack. No, all sorts of bulldozers. Yeah, it is happening, of course it is happening, but it is happening to Muslims, it is happening to other minorities, it is happening to Dalits, it is happening to tribals, right? Because it is the attitude and the approach of the BJP. And this is something we are committed to fighting. And you're very well aware that myself and the Congress party are at the forefront of this fight. तो साफ साफ यार राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नहीं, तमाम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों सबके साथ हो रहा है। लद्दाख में राहुल गांधी ने एक ऐलान ये भी किया था कि हम अगले साल सत्ता में आएंगे, और इस ऐलान के पीछे उनका मोहब्बत पर यकीन है, वही मोहब्बत जिसका पैगाम वो पूरे देश में देते हुए घूम रहे हैं। और अब इस मोहब्बत की बात को सर्वे भी साबित कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि अगले साल यानी 2024 हम ही जीत रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ, कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ, कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने आ रही। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है,
देश में आपने फर्क देख लिया है, बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। तो मैं ये गारंटी देकर कह रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा देगी। और कुछ कुछ सर्वे में भी ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं दोस्तों। इस सर्वे ने राहुल के दावे पर मुहर लगा दी है। जो यहां लिख रहा हूं वही यहां बता भी रहे हैं। जी हां, एक्चुअली हाल ही में एक सर्वे में कई राज्यों में एनडीए को नुकसान और इंडिया को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इंडिया टुडे और सी वोटर्स के सर्वे में बिहार, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाया गया है। इन राज्यों में से तमिलनाडु और केरल में तो एनडीए का सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, क्योंकि वहां एक भी सीट एनडीए को नहीं मिल रही है, तमिलनाडु और केरल में। इस सर्वे की माने तो बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी वाली एनडीए को 14, जबकि इंडिया गठबंधन को 26 सीटों पर जीत मिल सकती है। पंजाब में एनडीए को महज एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप जानते हैं पंजाब में 13 सीटें हैं, टोटल 13 में से मात्र एक सीट एनडीए को और बाकी 12 सीटें जो हैं वो इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि उत्तर भारत के इस राज्य में, यानी कि जो पंजाब है उसकी बात कर रहा हूं, जहां 12 सीटें, तो 12 सीटें अगर बढ़त, यहां ये सब कुछ सर्वे है, यहां कुछ भी अभी रिजल्ट नहीं है, चुनाव नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में भी देखिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी को कुछ खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को 20, जबकि इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। हाल ही में बदली महाराष्ट्र की सियासत का फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां भी बीजेपी इंडिया गठबंधन से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन जो है उसको 24 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि बीजेपी को या एनडीए को कहें तो 18 सीटों से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, ये कहना है सी वोटर्स इंडिया टुडे का जो सर्वे है। दक्षिण भारत में तो बीजेपी वहां बिल्कुल ही आउट नजर आ रही है। उत्तर और पूर्वी भारत में भी बुरे हाल हैं और मध्य भारत से भी बीजेपी के जाने वाले दिन आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर अभी चुनाव तक ऐसे कई सर्वे और आएंगे जिनसे देश के बदलते मूड का पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मोदी अपना मूड अच्छा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी आगे बताता हूं। दरअसल कर्नाटक में जीतने के बाद रोड शो करने की उनकी जो चाहत थी वो पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीती थी, बीजेपी हार गई थी और बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी। मोदी जी चाहते जरूर थे कि जीत हासिल हो और उसके बाद रोड शो करें, लेकिन रोड शो उस समय पूरा नहीं कर पाए। उनका जो सपना था वो इसरो का जो मून मिशन है उसकी सफलता को भुनाने में उन्होंने पूरा कर लिया। आज बेंगलुरु जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने रोड शो किया और इस तरह एक और गलती कर बैठे। गलती क्या कर बैठे वो भी आपको बताता हूं। आपने देखा कि चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के वक्त भी उनका चेहरा स्क्रीन पर आता रहा, तो लोगों ने अपनी नाराजगी दिखलाई और अभी फिर मोदी जी सेल्फ गोल कर बैठे हैं। पीएम मोदी की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों से मिलने गए, ये अच्छी बात है, हमें वैज्ञानिकों पर गर्व है, देश के प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने रोड शो क्यों किया, ये गर्व की बात होती अगर ये रोड शो उन वैज्ञानिकों के साथ किया जाता जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस मिशन को सफल बनाया, ये कहना है विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार साहब का। तो बात सही भी है दोस्तों कि मेहनत वैज्ञानिकों ने की और शो मोदी जी का हो रहा है। वैसे मोदी सरकार ने घोषणा की है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। साथ ही विक्रम लैंडर के टच डाउन स्पॉट को, जहां चंद्रमा को टच किया विक्रम लैंडर ने, उस स्पॉट को अब से शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जबकि चंद्रयान 2 जो है वो चंद्र लैंडिंग, जो चंद्रमा पर जो लैंडिंग का वो है चंद्र लैंडिंग बिंदु, हालांकि वो असफल हो गया था, लेकिन उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा, जिस पॉइंट को लेकर के चंद्रयान 2 गया था उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले यूपीए 1 में जो चंद्रयान 1 था उसकी लैंडिंग, उसका जो लैंडिंग पॉइंट था वो जवाहर पॉइंट उसका नाम दिया गया था। तो पहला जो चंद्रयान 1 उसका जवाहर पॉइंट, दूसरे चंद्रयान का तिरंगा और तीसरे का शिव शक्ति।
तिरंगा पॉइंट भी ठीक है, लेकिन शिव शक्ति पॉइंट नाम देकर बीजेपी ने बता दिया है कि वो चांद को भी ध्रुवीकरण की राजनीति से नहीं बख्शेगी, वहां भी ध्रुवीकरण, राम के बाद अब शिव का सहारा बीजेपी ले रही है। याद रखना चाहिए कि कर्नाटक में बजरंग बली का साथ बीजेपी को नहीं मिला था, वहां काम पर जनता ने वोट दिया था, नाम पर नहीं, बजरंग बली के नाम पर नहीं। काम क्या था वो आप सबने देखा था, बीजेपी का काम भी आपने 5 साल देखा था, और वादे जो थे, गारंटी जो थी कांग्रेस की, वो भी आपने देखा। अब सर्वे भी यही बता रहे हैं कि जनता का मूड बदल रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी इस बात को समझेगी? क्या राहुल ने जो गारंटी दी है कि 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे, इस गारंटी पर चुनावी सर्वे मुहर लगा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे इस चर्चा में, और यही समझने की कोशिश कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो गारंटी जो दे रहे हैं कि अगला चुनाव हम जीतेंगे, जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे भी क्या उधर ही बढ़ रहे हैं राहुल गांधी की गारंटी की तरफ? अगर उस दिशा में बढ़ते हुए सर्वे दिखाई दे रहे हैं, वो भी वो सर्वे, सी वोटर्स के सर्वे, और भी CSDS के सर्वे, या और भी तमाम दूसरे सर्वे जो लगातार किसी न किसी रूप से सत्तारूढ़ दल के काफ़ी करीब नज़र आते हैं और उनको किसी न किसी रूप में तब तक जिताने की कोशिश करते हैं जब तक कि फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार